हर चैनल पर खबर चल रही है कि जेएनयू छात्रों की बात सरकार ने मान ली है। लग रहा है कि शायद अब छात्र शांत हो जाएंगे, लेकिन ये सच नहीं है। फीस में इजाफे को लेकर छात्रों ने पहले कैंपस में जोरदार प्रदर्शन किया, फिर यूजीसी ऑफिस के सामने। आजादी के नारे, तख्तियों पर तीखे मैसेज और छात्रों का सख्त रवैया देख सरकार सख्ते में आ गई। खबर आई कि बढ़ी हुई फीस आंशिक तौर पर वापस ले ली गई। शिक्षा सचिव आर सुब्रमण्यम ने ट्वीट कर ये जानकारी दी, लेकिन जेएनयू के छात्र और छात्र संगठन इस ट्वीट को चालाकी बता रहे हैं। छात्रों का कहना है कि ये ट्विटर और सर्कुलर उन्होंने खूब देखे हैं, ये सिर्फ छात्रों को बहकाने के लिए है। फीस बढ़ोतरी का मसला पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। अब ये किस बुनियाद पर ऐसे दावे कर रहे हैं, जरा जेएनयू स्टूडेंट यूनियन के जनरल सेक्रेटरी सतीश यादव से समझते हैं। अभी एक वाइस चांसलर ने ट्वीट कराया है MHRD के द्वारा, तो ये इंस्टीट्यूट के माध्यम से वो ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि रोल बैक हो गया है, जबकि ये सरासर स्टूडेंट्स को धोखे में रखने जैसा है। अभी जो स्टूडेंट का मेन कंसर्न था वो ये था कि जो मेस वर्कर थे कॉन्ट्रेक्चुअल, उनका जो सैलरी है स्टूडेंट के ऊपर उसका भार दिया गया था, वो अभी भी एज इट इज है। इससे स्टूडेंट और कर्मचारी दोनों लोगों का नुकसान हो रहा है। स्टूडेंट का नुकसान ये हो रहा है कि उनका जो मेस फीस है वो हाइक होगा, और कर्मचारियों का जो नुकसान होगा उसमें ये है कि उनका जो मिनिमम जो वेज देने की बात कही जाती है कहीं ना कहीं उससे कम्प्रोमाइज होगा, कुछ कर्मचारियों की छटनी की जाएगी और लेबर लॉ भी इससे वायलेट होगा। हमारा जो स्ट्राइक है वो अभी भी कंटिन्यू होगा और तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक कि इस मैनुअल का टोटल रोल बैक नहीं हो जाता है। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि वाइस चांसलर जो है वो अपनी क्रेडिबिलिटी पूरी तरीके से खो चुके हैं। छात्र संगठनों का कहना है कि सिर्फ फीस की ही बात नहीं थी, कई और मांगे थी जिन पर अभी तक सफाई नहीं आई है। वो पूछ रहे हैं कि आखिर जेएनयू के वाइस चांसलर छात्रों के सामने आने से क्यों कतरा रहे हैं, खुद जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। इस पे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हमारा तीन सरल डिमांड जो था वो सरल डिमांड आज भी है। पहला डिमांड है कि वाइस चांसलर आके हमसे बातचीत करे, दूसरा डिमांड है कि ड्राफ्ट हॉस्टल मैनुअल को इन टोटो वापस लिया जाए, और तीसरा डिमांड है कि जो IHE मीटिंग 28 अक्टूबर 2019 को हुआ था, जो गैर कानूनी ढंग से हुआ है, उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाए, उसको रद्द किया जाए और नए तरीके से IHE मीटिंग बुलाया जाए। ये बिल्कुल गलत है। मेरा ऑफिस में स्टूडेंट्स हर एक महीने में एक आफ्टरनून 3 घंटे कभी भी आके बात कर सकते हैं बिना अपॉइंटमेंट, और हम फ्रीक्वेंटली मीटिंग्स भी रखते हैं डीन और वार्डेंस और हॉस्टल प्रेसिडेंट्स के बीच में, बहुत मीटिंग्स होते रहते हैं। और ये हॉस्टल मैनुअल के बारे में भी हम एक इंटर हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेशन मीटिंग को बुलाया, इसमें हॉस्टल प्रेसिडेंट्स, डीन्स और हॉस्टल वार्डेंस, ये सब के बीच में मीटिंग होना था, लेकिन दूसरा स्टूडेंट्स जिसको ये मीटिंग से बिल्कुल कनेक्शन ना है, इन्होंने ये मीटिंग में घुस के ये मीटिंग नहीं होना दिया। ये तरीका नहीं होता है मीटिंग कंडक्ट करने का। इस प्रदर्शन की एक और खास बात है, सत्ताधारी पार्टी BJP से जुड़ा छात्र संगठन ABVP भी इस प्रदर्शन में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। 13 नवंबर को ABVP के छात्रों ने UGC के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। वो भी कह रहे हैं कि भैया प्रदर्शन अभी खत्म नहीं हुआ है, VC सामने आए और अपनी बात रखे और हमारी बातों पर सफाई भी दी। एक बात और बता दूं आपको, अगर आप दिल्ली या इसके आसपास नहीं रहते और जेएनयू के बारे में ज़्यादा कुछ पढ़ा सुना नहीं है, तो आपको न्यूज़ चैनलों और अखबारों में जेएनयू के प्रोटेस्ट की खबरें ही सुनाई देती होंगी। आपको भी ऐसा लगता होगा कि ये लोग टैक्स पेयर्स के पैसे पर पढ़ते हैं और हो हल्ला मचाते हैं। थोड़ी सी फीस क्या बढ़ा दी गई कि मानो इनकी डफली ही छीन ली गई हो। कंडोम, शराब सब खरीदते हैं, लेकिन हॉस्टल की फीस, सर्विस चार्ज ये सब मांग लो तो हंगामा शुरू हो जाता है। लेकिन जो हकीकत है ना, वो थोड़ा सा अलग है। JNU की एनुअल रिपोर्ट के मुताबिक 2017-18 में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स में 40% ऐसे थे जिनकी घर की आमदनी हर महीने 12,000 से भी कम थी। मतलब 40% स्टूडेंट ऐसे थे जिनका परिवार रोजाना 400 रुपये से भी कम पैसे में अपना गुजारा करता है। 400 रुपये, ये बच्चे दिहाड़ी मजदूर, चाय वाले, रिक्शा वाले, किसान, मामूली नौकरी करने वाले कमजोर तबके के लोगों के हैं, जो पढ़ लिख कर अपनी जिंदगी और समाज को भी बेहतर बनाना चाहते हैं। तो ये फीस बढ़ोतरी ऐसे परिवारों पर भी चोट करती है, इन परिवारों से आने वाले बच्चों के सपनों को मार देती है।
इसलिए छात्र प्रदर्शन करते हैं और बाहरी छात्रों का भी इन्हें खूब सपोर्ट मिलता है। अब यूनिवर्सिटी कह रही है कि ये फीस बढ़ोतरी 10 साल बाद हुई है, साथ ही 30 साल से हॉस्टल फीस स्ट्रक्चर में बदलाव नहीं किया गया था। सवाल है कि अचानक ऐसी जरूरत क्यों आ पड़ी? क्या मंदी का पहला शिकार जेएनयू ही होगी, या क्या 40% बच्चों के पास अचानक 15 लाख रुपए आ गए? अगर फीस बढ़ाना जरूरी ही था तो क्यों नहीं छात्रों के परिवार की आमदनी के आधार पर बढ़ाई गई? क्यों फीस की फांस हर छात्र के गले में डाल दी गई?